हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी अप्पे और उसके साथ बनाएंगे कोकोनट और धनिया की टेस्टी और क्विक चटनी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टेंट अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में एक कप सूजी लेंगे और इसमें डालेंगे हाफ कप विस्क की हुई दही। पहले दही के साथ मिक्स करेंगे और अब हाफ कप पानी डालकर लंप फ्री मिक्स करेंगे और अब इसे फर्मेंट होने के लिए 30 मिनट के लिए या कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। अब एक पैन गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 1-2 टेबलस्पून ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो डालेंगे 2-3 पिंच हींग और 1/2 टीस्पून सरसों। हल्का सा सॉटे करेंगे और डालेंगे 10 से 15 पत्ते करी लीव्स के और साथ ही डालेंगे एक मीडियम साइज की या हाफ कप फाइन चॉप प्याज, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर 30 सेकेंड सॉटे कर लेंगे और अब डालेंगे 1/4 कप फाइन चॉप्ड शिमला मिर्च और 1/4 कप मोटा मोटा कद्दूकस किया हुआ गाजर। आप चाहें तो फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। मेरी गाजर फ्रोजन है, इसे मैंने ग्रेट करके फ्रीजर में स्टोर करके रखा था। आपके पास अगर फ्रेश हो तो फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। अब इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं जैसे बीन्स, और अगर आप चाहें तो इन सब्जियों को बिना फ्राई किए डायरेक्ट बैटर में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस तरह टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। तो 1 मिनट हो गया है, अब गैस बंद करेंगे और सब्जियों को अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारा बैटर फर्मेंट हो रहा है और सब्जियां ठंडी हो रही हैं, तब तक इसके साथ खाने के लिए एक क्विक और टेस्टी कोकोनट धनिया की चटनी बनाएंगे। कोकोनट धनिया की चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर जार में 1/2 कप रफली कट धनिया लेंगे और 1/2 कप कच्चा छोटे छोटे डाइस में कटा हुआ नारियल डालेंगे। 3 हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और अब 1/2 कप यानी 4 टेबलस्पून पानी लेंगे और 2 टेबलस्पून पानी अभी डालेंगे और फिर थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद 2 टेबलस्पून पानी और डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए चटनी बहुत अच्छे से पिस गई है। हल्की सी ये कोकोनट की वजह से दरदरी लगती है, तो आप इसका टेक्सचर और थिकनेस दोनों देख सकते हैं। ये हल्की सी स्पाइसी होती है बट अप्पे के साथ बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लगती। तो चटनी भी तैयार है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो एक तड़का पैन गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 1-2 टेबलस्पून ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो डालेंगे 1/8 टीस्पून हींग, 1 सूखी लाल मिर्च तोड़कर डालेंगे, 1/2 टीस्पून सरसों और 10 से 12 पत्ते करी लीव्स के। हल्का सा सॉटे करेंगे और इसे चटनी पर डाल देंगे। तो हमारी टेस्टी स्पाइसी कोकोनट धनिया की चटनी तैयार है। तो चटनी भी तैयार है और सब्जियां भी ठंडी हो चुकी हैं। 30 मिनट हो गए हैं सूजी को फर्मेंट होते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई सब्जियां और डालेंगे 1 टीस्पून नमक, मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए 1/4 कप पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स करेंगे और अब लास्ट में डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद जेंटली मिक्स करेंगे, अदरवाइज इसका एक्टिवेशन खत्म हो जाएगा। अब एक अप्पे पैन गर्म करेंगे और सारे मोल्ड्स में ऑयल लगाएंगे। और अब मोल्ड्स को फिल करेंगे। मोल्ड के बिल्कुल बराबर ही बैटर डालेंगे, ओवरफिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये फूलेंगे तो बैटर मोल्ड के बाहर आ जाएगा। अब ढक लो फ्लेम पर 4-5 मिनट रखेंगे। 4-5 मिनट हो गए हैं, ओपन करते हैं। इसके ऊपर से हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे। इन सब को टर्न करेंगे, बहुत अच्छा कलर आया है। अब ढककर इस साइड से भी लो फ्लेम पर 3-4 मिनट पकने देंगे।
तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ओपन करेंगे। एक बैच के अप्पे तैयार हैं, निकाल लेते हैं। इसी तरह दूसरे बैच के भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो टेस्टी इंस्टेंट अप्पे विद कोकोनट चटनी तैयार है। इनकी प्लेटिंग करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।